Hey guys, बेटू आर्मी here. Free Fire banned from Indian server. क्या ये न्यूज सही है? Guys, अभी तक तो मेरे को भी ये न्यूज फेक लग रहा था, बट अब 70% तक तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ guys कि सच में Free Fire इंडिया के हाथों से जाने वाला है. Because guys, सुबह तक तो सिर्फ iPhone के App Store से Free Fire and Free Fire Max को रिमूव किया गया था, बट फाइनली guys अब Android के Play Store से भी Free Fire को रिमूव कर दिया गया है. एंड जहाँ तक मेरे को लग रहा है, कुछ देर में Free Fire Max को भी रिमूव कर दिया जाएगा. एंड जहाँ तक guys मेरे को लग रहा है, पबजी पीसी वालों ने जो फ्री फायर के ऊपर केस करा था क्राफ्टलैंड को लेकर के, गाइज अब जहां तक लग रहा है मेरे को गाइज कि ये केस धीरे धीरे पबजी की साइड झुकता जा रहा है. एंड अगर गलती से भी पबजी वाले इस केस को जीत लेते हैं तो फिर इंडियन सर्वर से फ्री फायर को अलविदा कहना पड़ेगा. एंड गाइज अगर फ्री फायर के बारे में आप लोगों को एक डाटा पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूं कि लास्ट 3 मंथ से गाइज हर महीने के एंड में लगभग 14 से 15 लाख लोग जो है यूजर वो इनएक्टिव हो रहे हैं. फ्री फायर इनएक्टिव बोले तो गाइज हर महीने 14 से 15 लाख यूजर्स फ्री फायर को छोड़ रहे हैं. बिकॉज लास्ट 3 मंथ से गाइज फ्री फायर को पीसी में खेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है. इसी कारण से गाइज जितने भी पीसी के क्रिएटर्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो अपने वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, एंड ना ही तो वो लाइव में गेम खेल पा रहे हैं. इसीलिए गाइज वो अपना वीडियो रेगुलर डाल भी नहीं पा रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन की गाइज उनकी सारी ऑडियंस भी फ्री फायर को छोड़ रही है. एंड गाइज मुझे तो ये जानकर शौक लग रहा है कि उनका क्या होगा जो फ्री फायर के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, एंड गाइज उन लोगों का क्या होगा जिनका फ्री फायर के कारण घर चल रहा है. एंड इतना ही नहीं गाइज, मेरा खुद का इमोशंस जो जुड़ चुका है फ्री फायर से गाइज उसको मैं लिटरली भूल नहीं पाऊंगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट गाइज कि पहले एक एग्जांपल दिया करता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली जाएगी लेकिन फ्री फायर कभी नहीं जा सकता, बट फाइनली गाइज फ्री फायर भी अब इंडियन सर्वर से रेस्ट इन पीस होने वाला है. पता नहीं गाइज मेरे को लिटरली मतलब इतना बुरा लग रहा ना यार, दिल से बुरा लग रहा है कि भाई क्या होगा, मतलब कैसे टाइम, मतलब समझ रहे हो ना कि टाइम स्पेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आप लोगों के पास. क्योंकि गाइज आईफोन के एप स्टोर से रिमूव हो गया खैर इतना तक ठीक था, बट गाइज प्ले स्टोर से रिमूव होना मतलब समझ रहे हो ना कि टिकटॉक भी जब जिस टाइम पे इंडिया में बैन हुआ था वो कुछ इसी प्रकार से रिमूव किया गया था. एंड अगर आप भी उस टाइम पे टिकटॉक यूजर्स हो गए तो आपको जहां तक याद होगा गाइस उस टाइम भी टिकटॉक में भी नेटवर्क कनेक्शन एरर करके आ रहा था. एंड जहां तक मेरे को लग रहा है गाइस नाइट से फ्री फायर में भी नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा है, मतलब 6-7 दिन बाद ऑटोमेटिक इंडियन सर्वर में फ्री फायर ओपन ही नहीं होगा. एंड जो लोग आईफोन वाले हो वो तो भूल ही जाओ खेलना, क्योंकि गाइस वो तो ना तो किसी लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे ना कहीं और से, क्योंकि आपको पता है गाइस कि एप्पल की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा हाई होती है. बट अगर एंड्रॉइड वाले हो तो वो किसी और सर्वर में कनेक्ट करके खेल पाओगे, बट तुम्हारी सारी की सारी आईडी चली जाएगी, सारा कलेक्शन चला जाएगा. एंड आपको पता होगा गाइस कि मैं 2.5 से 3 साल से फ्री फायर खेल रहा हूँ, एंड 2.5-3 साल पहले मैं बहुत गरीब हुआ करता था, बट अब पूरा भिखारी हो चुका हूँ गाइस, इतना ज्यादा टॉप अप कर चुका हूँ. बट क्या होगा भाई, उस टॉप अप का कहां से आएंगे वो पैसे मेरे रिटर्न. एंड गाइस मेरी 2-3 आईडी चल रही, जिसमें से एक का लेवल 84 है, एक का 75 होने वाला है. भाई ये दिन रात खून पसीने का मेहनत पूरा सब कुछ बर्बाद चला जाएगा गाइस, एंड वो समझ रहे हो ना कंगाल हो जाऊंगा मैं फिर. एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि मैं हंस के बोल रहा हूँ, बट गाइस ये फेक स्माइल है लिटरली, अंदर से तो मेरे को मतलब इतना रोना आ रहा भाई, मतलब समझ रहे हो ना कि जब से मैंने वो रात से वो नोटिस देखा, मैं तो इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाता कि चलो आईफोन से रिमूव हुआ, बट ये प्ले स्टोर से भी रिमूव हो गया. बट आप सोच रहे हो कि हम लोगों को करना क्या है जिससे कि ये फ्री फायर रिमूव ना हो, मतलब फ्री फायर बैन ना हो इंडियन सर्वर से. तो गाइस ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप ट्विटर पे जाकर ट्वीट करोगे या फिर क्या करोगे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. आपके पास एक ही ऑप्शन है, एंड वो है कि आपको प्रे करना पड़ेगा गाइस कि फ्री फायर रिमूव ना हो. बिकॉज समझ रहे हो ना, जैसे कोई इंसान अगर मरता रहता तो उसके लिए दुआ मांगते हो ना, वैसे आप फ्री फायर के लिए दुआ मांगो, क्योंकि गाइस समझ रहे अगर चला गया ना फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा. एंड आपने जिस बंदी को छोड़ा था ना फ्री फायर के लिए वो भी दोबारा लौट के नहीं आने वाली, फिर आपको नया मेहनत करना पड़ेगा, इस बात का इंतजार कर लेना. तो कोई ना गाइज बस प्रे करो एंड होप करो कि इंडिया से फ्री फायर बैन ना हो. सो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर करना मत भूलना. सो गाइज कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.